हेलो, अब हम आपका जीके स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। और जीके में स्टार्टिंग करेंगे हम कंप्यूटर वर्ल्ड से। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ईच वन ऑफ अस मस्ट नो अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मशीन्स एवर क्रिएटेड बाय मैन। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एवर इंक्रीजिंग थ्रस्ट फॉर नॉलेज। टुडे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आर वर्क इज डन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर एनहेंसिंग द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड विद अ रैपिड स्पीड। ठीक है, फिलहाल में कह रहा है कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर कैसे धीरे धीरे इवॉल्व करते गए हैं, कैसे इवॉल्व करते गए हैं, कहाँ पहले कितना किस तरह का कंप्यूटर आता था, आज किस तरह के कंप्यूटर आने लगे हैं, एवोल्यूशन कैसे पता है। फिर कह रहा है कि हम जानते हैं कि इंसानों ने अब तक जितनी बढ़िया चीज़ें बनाई हैं उसमें सबसे बढ़िया चीज़ में से बढ़िया चीज़ों में से एक चीज़ तो ये कंप्यूटर है ही है। फिर कह रहे हैं जो इन्वेंशन है, इन्वेंशन इस इन्वेंशन की वजह से लोगों की जो नॉलेज की जो प्यास है वो बढ़ गई है। मतलब क्या, अब इंसान को तो जानना है ना, तो उसको कोचिंग लेने की जरूरत है, ना उसको कोई बुक खरीदने की जरूरत, ना उसको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत। अब वो जब चाहे गूगल पर नॉलेज एक्सेस कर सकता है। ठीक है, टुडे ऑलमोस्ट ऑल आर वर्क इज डन बाय कंप्यूटर। सारे काम इससे किए जाते हैं, और कंप्यूटर की वजह से हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड उन्होंने बता दिया, अभी फिर क्या बताया इस पर कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस, बस फिर बताने थोड़ा सा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। टिम बर्नर्स ली कॉइंड द फ्रेज वर्ल्ड वाइड वेब। आज जो आप यूज करते हो ना www. तो वो किसने स्टार्टिंग कॉइन मतलब था नेम को रखना, कॉइन मतलब नेम रखना, नेम्ड। टिम बर्नर्स ली ने www. को इन्वेंट किया था, और उसकी फुल फॉर्म क्या रखी थी, वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक नाम पूछ सकते हैं आपसे, वर्ल्ड वाइड वेब या WWW की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कब क्या था ये पूछ सकते हैं 1990 में। ठीक है, फिर क्या था, गूगल यूजर्स एन एस्टिमेटेड 15 बिलियन किलो बाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर, मोर देन मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, हाउएवर गूगल जनरेट्स अ लॉट ऑफ देयर ओन पावर विद देयर सोलर पावर प्लांट पैनल्स। कोई काम की चीज़ नहीं लिखी आपके एग्जाम में पूछने वाली चीज़ नहीं है सर। क्या लिखा हुआ है कि गूगल जो है ना, गूगल जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा, गूगल जो है दुनिया के बहुत सारे कंट्रियों से ज़्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ठीक है, और वो कह रहा है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है दूसरों को यूज़ करता, वो थोड़ी बहुत एनर्जी अपने सोलर पैनल से भी जनरेट करता है। ठीक है, द फर्स्ट टू वीडियो गेम्स कॉपी राइटेड इन यूएस वर एस्टेरॉइड्स एंड लूनर लैंडर। लैंडर टॉपिक दीजिए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं था यहाँ पे, फिर भी दीजिए। वो कह रहे हैं पहले दो गेम्स, दुनिया के पहले दो गेम जो कॉपीराइट किए गए थे यूएस में, जो यूएस में सबसे पहले दुनिया के दो ऐसे गेम जो यूएस ने कॉपीराइट लिया था उनके ऊपर, उन गेमों का नाम है एस्टेरॉइड्स और लूनर लैंडर। लूनर लैंडर द एवरेज कंप्यूटर यूजर, अब ये बात कंप्यूटर की नहीं कर रहे हम, इंसान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एवरेज जो कंप्यूटर यूजर होते हैं ना, ब्लिंक्स 7 times a minute less than half the normal rate of 20। मतलब वो कह रहे हैं हम लोग जो होते हैं ना, जो कंप्यूटर यूज करते हैं बेसिकली, और जो लोग कंप्यूटर यूज नहीं करते, तो दो लोगों की बात किया है। तो कह रहा है जो नॉर्मल लोग होते हैं जो कंप्यूटर यूज नहीं करते, वो एक मिनट में 20 बार आंखें ब्लिंक करते हैं, 20 बार क्या करते हैं, आईज ब्लिंक करते हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं नॉर्मल स्पीड से। लेकिन कंप्यूटर यूजर होता है ना, उसकी तो आदत हो जाती है कंप्यूटर स्क्रीन को ऐसे देखते रहने की, कि वो ब्लिंक की बहुत कम करता है। कितने कम करता है, तो हाफ से भी कम, 20 का फैन 10 से भी कम करता है, यानी कितना करता है, 7 times। कितना करता है, 7 times ब्लिंक करता है वो केवल एक मिनट में। हाँ, तो ये इससे आपसे पूछ सकते हैं, और इंदौर से पूछ सकते हैं, इससे शायद ही पूछे, इसको अनइम्पोर्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, आप पढ़ते हैं क्या है। वो कह रहे हैं कंप्यूटर मॉनिटर कंटेन्स 1.8 to 3.6 kg ऑफ डेस अ हैवी मेटल दैट डैमेजेस द ब्लड सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम।
अब वो कह रहा है कंप्यूटर मॉनिटर में ना एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मेटल होता है जो 1.8 से लेकर 3.6 केजी तक का वेट रखता है। तो उस मेटल का नाम क्या है? तो बस वो कह रहे हैं ये मेटल है ना, ये जो मेटल है ये इसको लेड कहते हैं। तो कहता है लेड, ठीक है। और ये क्या है, ये लेड क्या करता है, ये लेड क्या कर डैमेज करता है किसको, इंसान के ब्लड सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। तो ज़्यादा टाइम के लिए भी सिस्टम यूज नहीं करना चाहिए। और ये लेड के वो है क्या कहते हैं, लेड का एक डिसएडवांटेज है, लेड का एक ये डिसएडवांटेज है कि लेड अगर आप जनरली भी यूज़ करते हो ना, जनरली मॉनिटर में यूज़ हो, अगर आप लेड वाले जब मटेरियल को हाथ में लेते हो, उसके आसपास काम कर रहे हो, तो अभी आपका ब्लड सिस्टम और नर्वस सिस्टम खराब होगा। सर वो कैसे है, लेड एक मेटल है, लेकिन इस मेटल में से ना थोड़ा बहुत ना एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे हमारा ब्लड सिस्टम और नर्वस सिस्टम खराब होता है। द इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल द वर्ल्ड हैज सीन सो फार, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल इंटरनेट। ई बायो इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेली सेंटर, सर मतलब ई बायो मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक बायो इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेली सेंटर लोकेटेड इन वन ऑफ द मोस्ट इन एक्सेसिबल हिली कम्युनिटीज इन मलेशिया। वो कह रहा है मलेशियन गवर्नमेंट ने एक ई बेल्यू नाम का, एक ई बेल्यू नाम का एक टेली सेंटर बनाया। टेली सेंटर मतलब क्या, एक टेली सेंटर ने स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर किया टेली सेंटर मतलब क्या, जैसे आपके यहाँ पे बोर्ड आईडिया कंपनी है ना, एयरटेल जैसी कंपनी, रिलायंस जियो जैसी कंपनी है, इस तरह से कंपनी समझ लो उसको, ठीक है। जो कि कंपनी कहाँ पर लोकेटेड है, एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जो इनएक्सेसिबल है, मतलब जहाँ पर जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, जहाँ पर जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब जगह कहाँ पर है, जगह ये जगह मलेशिया में, कहाँ पर है मलेशिया में है। डैश प्रोजेक्ट इन इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरनेट टूल। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट का इंडिया के लिए, इंडिया के सिटीजन के लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन सा है, वो भी इंटरनेट प्रोजेक्ट पर, इंटरनेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो वह ज्ञान दूत, क्या है वो, ज्ञान दूत। डैश इज अ मेटामॉर्फोसिस एरिया, सोलर वर्चुअल एरिया। इस वर्ड को काट दो, चाहे ऐसे ऑब्लिक लगा के लिख लो, मतलब एक ही, पूरे का मतलब एक ही है, बस अब यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं इसको समझाऊंगा। वर्चुअल एरिया एक स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ है, मेटा फॉर्म में कॉन्सेप्चुअल एरिया इज इक्वल टू वर्चुअल एरिया, लिख सकते हैं इज द वर्चुअल एरिया। दिस इज अ वर्चुअल एरिया वेयर फाइल्स, डेटा, इमेजेस, टेक्स्ट, मोशन, वीडियो क्लिप, म्यूजिक एक्सेट्रा फ्लाई बैक, ठीक है। एंड फोर्थ, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यूजर टू यूजर। वो कह रहा है एक ऐसी जगह बताओ जो वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब क्या, रियल में नहीं है, एक इमेजिनरी, वर्चुअल मतलब क्या, रियल में नहीं है, एक इमेजिनरी स्पेस। एक ऐसी इमेजिनरी जगह बताओ, मैं इमेजिनरी भी नहीं कहूँगा, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको बनाया गया है, उसको बनाया गया, बनाया गया तभी वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कोई ऐसी जगह नहीं यहाँ पर जा पाओ, वर्चुअल मतलब ऐसी जगह यहाँ पर जाना पाओ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एक वर्चुअल एरिया है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना फाइल्स, अपना डेटा, इमेज, टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ क्या रखते हैं, सेव रखते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर टू कंप्यूटर में आ जाती है, यूजर टू यूजर आ जाती है, यानी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आपके में वो नाम तो नहीं देना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइबर स्पेस। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइबर स्पेस, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी चीज़ें लोकेटेड होती है, बड़ा आप इस जगह पर जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बनाई गई है टेक्नोलॉजी से, ये जगह भी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। कंप्यूटर बॉम्ब्स पढ़ चुके हो आप, आर द डैश व्हिच एंटर द साइबर स्पेस एंड आइदर मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और कॉज डैमेज टू द सिक्योरिटी सिस्टम इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कंप्यूटर बॉम्ब्स वो होते हैं, वो होते हैं जो क्या करते हैं, साइबर स्पेस में एंटर कर जाते हैं और या तो वो डेटा को मैनिपुलेट कर देंगे या फिर उसको खराब कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर बम्स को मतलब बता रहे कंप्यूटर बम्स होते क्या है, तो अपने हार्मफुल होते हैं, मेलिशियस, एक मेलिशियस क्या होता है, एक मेलिशियस कोड होता है, ये एक ऐसा मेलिशियस कोड होता है जो हैकर्स बेसिकली क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। पर्संस टू यूज इंटरनेट आर ऑल्सो नोन एज नेटिजन, नया वर्ड आपको मिला, इंटरनेट यूज करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, नेटिजन, ठीक है। डैश इज अनसॉलिसिटेड कमर्शियल इंट्रूजन ऑन अ होम पीसी। वो कह रहा है एक ऐसा अनसॉलिसिटेड मतलब क्या,
अनएडवर्टाइज जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया हो, अनपब्लिश जिसको पब्लिश नहीं किया गया हो, है ना, एक ना पब्लिश करने वाला कमर्शियल इंट्रूजन, यानी एक ऐसा इंट्रूजन मतलब ना अटैक करने वाला, एक ये ऐसा अटैकर है जो बिजनेस पर्पज से आता है और बिजनेस पर्पज से हमारे सिस्टम में अटैक करता है लेकिन ये अपने आप को कोई पब्लिश नहीं करता, ऐसा वो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पैम मैसेजेस, इसको क्या बोलते हैं स्पैम, ठीक है। डैश क्रिएट्स बैरियर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर, तो फायरवॉल्स ये आपको याद होनी चाहिए। डैश इज द टर्म यूज टू डिनोट द सेपरेशन बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स ऑफ द वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजी, वो कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ड जो हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के टर्म्स में जो क्या डिनोट करता है, सेपरेशन यानी अलग होना, किस चीज़ों का अलग होना, हैव्स का हैव नॉट्स से अलग होना, इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिवाइड। डैश इज द फर्स्ट एक्नोलॉज्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड इन 1976 इन USA, तो आप कहोगे सर परम कंप्यूटर नहीं, वो इंडिया का था, वो इंडिया का कंप्यूटर था, ये बात कर रहे हैं USA का, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं बेसिकली, और वर्ल्ड में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बना था वो USA में बना था 1976 में, उसका नाम क्या था, ग्रे है या फिर ग्रे है, आप चेक कर लो नाम तो मेरे को ध्यान नहीं, जो भी आपने स्पेलिंग उसको देख लो ना, 12 है ना। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग का फादर कौन उसको कहा जाता है, सेमनी ग्रे है ना, सेमनी ग्रे या ग्रे जो भी देख लेना आप नाम। कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ, सर कंप्यूटर के अंदर चिप्स होती है ना, ये चिप्स ये किससे बनी होती हैं, एक मेटल होता है सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन, उससे बनी होती हैं, ठीक है। दैट इज द लेटेस्ट लेवल ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का लेटेस्ट जो वर्जन है लेवल की बात करें बेसिकली वो क्या है, तो दो आपने सुनी होंगे, एक IPv4 आता है, एक IPv6 आता है, तो IPv6 जो होता है ना मोबाइल में वो लेटेस्ट लेवल चल रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। SCAD स्टैंड फॉर फुल फॉर्म लिखी हुई आगे, ठीक है, तो कह रहा है कैम के फुल फॉर्म पूछता है बेसिकली, तो CAD स्टैंड फॉर क्या, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आई थिंक है ना, ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, विच इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग डिजाइन फॉर कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर पर अगर आपको अच्छी आर्ट वगैरह करनी है तो ये सॉफ्टवेयर आपको यूज किया जाता है, ठीक है, CAD इसके कोर्सेज भी होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग कंप्यूटर डेटा साउंड एंड वीडियो इमेज टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट सिमिलर टू टेलीविजन इज कॉल्ड मल्टीमीडिया, क्या कह रहा है, जब हम डेटा को कंप्यूटर के डेटा को कंप्यूटर के साउंड को और वीडियो को वीडियो इमेज को जब हम कंबाइन करते हैं ताकि एक टीवी जैसा माहौल बन जाए, टीवी जैसा एनवायरनमेंट बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। In 1971, a US computer engineer Dash created a first email program. यानी सबसे पहले ईमेल का सॉफ्टवेयर बनाया था, ईमेल का भेजने का, वो किसने था, एक US का कंप्यूटर इंजीनियर था, टॉमलिंसन, जो भी नाम है आपका देख लेना, टॉमलिंसन है ना। The printed circuit board, PCB जिसको कहते हैं, ये पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। तो PCB that holds the CPU is called, ऐसा बोर्ड जो प्रिंटेड होता है, ठीक है, उसको और जो सीपीयू को पकड़ के रखता है, सीपीयू को पकड़ के रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड, सब क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। द डेटा स्टोर्ड ऑन द रैम आर ना, और ये तो आपको मैंने बताया था, पढ़े थे हम 8th क्लास में रैम और रोम, तो रैम के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्पररी होता है, वो क्या होता है, टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए होता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिंटर पे एक तरह की फ्लैश मेमोरी है, लगाओगे तो आएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। फ्लैश वर्ड कैसा है, टॉर्च होती है, टॉर्च फ्लैश करती है, स्विच ऑन किया तो जलेगी, स्विच ऑफ किया तो बंद हो जाएगी, तो ऐसे प्रिंटर के एक तरह की ऐसी मेमोरी लगाओगे तो ऑन हो जाएगी स्टोरेज, बाहर निकाल दोगे अपने को तो स्टोरेज चली जाएगी, ठीक है।